सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी जामुन खा रहा था, तो मुझे याद आया कि यार क्यों ना मैं जामुन पर एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बीइंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे जामुन के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, और जामुन किसी सुपर फूड से कम नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप बहुत सारी डिसीजेज से, बहुत सारी मौसम से होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ये जो जामुन है, इन्हें इंग्लिश में ब्लूबेरीज कहा जाता है। खाने में ये थोड़े खट्टे होते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जामुन है, इन्हें सुपर फूड की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ये सुपर फूड है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जामुन के बारे में कि हर मौसम में, जिस भी मौसम में ये अवेलेबल होता है, रेनी सीजन में बहुत कम समय के लिए अवेलेबल होता है, तो हम सभी को ये खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हमारे जो ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है जो कम हो जाती है, तो ये उनको बूस्टअप करने में मदद करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है। दूसरा, जो भी लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, मधुमेह जैसी समस्या से ग्रस्त हैं, जिनकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उनके लिए जामुन एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें जंबोलिन नाम का एक नेचुरल केमिकल होता है। तो वो केमिकल क्या करता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या जो भी कहो कि शुगर जैसी चीज़ हम खाते हैं, तो वो स्टार्च में कन्वर्ट होती है। तो ये क्या करता है कि जंबोलिन उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देता है। तो जो भी लोग डायबिटीज से सफ़र करें उनके लिए तो ये मस्ट है। तीसरा, आजकल का टाइम हम सभी देख रहे हैं कि हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो जामुन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी लोग अपनी स्किन में ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए नेचुरल सप्लीमेंट का काम करेगा, एंड हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ना इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। एंड अगर आप कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, कहो इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, IBS इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, या मेटाबॉलिज्म आपका वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए ना कि इसके जो बीज होते हैं ये भी बड़े काम के होते हैं। आप जैसे जो इसके बीज होते हैं, आप उसको सुखा लो, धूप में सुखा लो, जैसे वो सूख जाए फिर उसको पीस लो। उसको पीसने के बाद आप अपने एक डब्बे में उसको रख दो और सुबह सुबह गर्म पानी के साथ उसका एक चम्मच आप ले लो। बिलीव मी, इट्स अमेजिंग। आपका जो डाइजेशन है, जो वीक है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो वीक है, वो एनहेंस हो जाएगा। तो ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी जो इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में बहुत मदद करेगा। सुपर फूड है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत कम सीजन के लिए या बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है। अभी उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।